गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना, चैप्टर नंबर 8, गति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ टर्म्स आती हैं जो हम क्लियर नहीं कर पाते कि ये इसको क्या कहते हैं, या फिर हम किस तरह से इसको रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं। तो हम उसमें पहले उस टर्म को क्लियर करेंगे। चैप्टर को पढ़ने से पहले, गति पर जाने से पहले, हम पहले इसमें विराम अवस्था को पढ़ेंगे। चलो विराम अवस्था को पढ़ते हैं। देखो विराम अवस्था का मतलब क्या होता है, जब भी कोई अपनी कोई वस्तु अपनी स्थिति को नहीं बदलती है किसी सांकेतिक बिंदु के साथ। उदाहरण के लिए अगर हमने अपना बैग मेज पर रखा है, वह बैग हमें अगले दिन भी मेज पर मिलेगा। हमारा सांकेतिक बिंदु क्या है, मेज है। इससे पता चलता है कि बैग ने अपनी स्थिति को नहीं बदला है। जैसे अगर आपने बैग अपने घर में एक मेज पर रखा हुआ है, या फिर लगा लो आप स्कूल में आए, स्कूल में आपने बैग ना अपने डेस्क पर रख दिया, तो आपने अपना डेस्क पे रख के आप बाहर चले गए क्लास से, ठीक है। तो अब वापस आए, आपको बैग अपना जैसे आप रख कर गए थे, जिस पोजीशन में आप रख के गए थे, बंद करके गए थे, किधर की तरफ उसका फेस करके गए थे, तो वैसे के वैसे आपका मिला। तो आपको पता चल गया कि आपके बैग को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है, ये जैसा रख के गए थे वैसा ही आपको मिला है। तो इसका मतलब क्या है, विराम अवस्था में था, किसी ने इसकी स्थिति को नहीं बदला, किसी ने इसको नहीं छेड़ा। या फिर दूसरा उदाहरण देखो, ये कर सकते हैं कि आपकी जो साइकिल है, आपने साइकिल को जहाँ पर स्कूल में खड़ा किया, तो वो साइकिल आपकी वहीं पर खड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि किसी ने क्या किया कि पीछे से आपके बाद में कि उस साइकिल को हटाकर दूसरी जगह खड़ा कर दिया। तो दूसरी जगह खड़ा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमने तो साइकिल जो है यहाँ इस वाले डोर के पास या इस वाली दीवार के पास खड़ी करी थी, तो अब तो इस दीवार के पास में नहीं है, तो ये दूसरी जगह किसी ने खड़ी की है। इसका मतलब आपने, आपको क्या पता चला कि हाँ, किसी ने तो मेरी साइकिल को यहाँ से हटाया है। आपका सांकेतिक बिंदु क्या था, वो दीवार थी, आपने उस दीवार के पास में खड़ा किया था। तो हाँ, इससे आपको पता चल रहा था कि हाँ, मैंने दीवार के पास में खड़ा किया था, तो उस दीवार के पास में नहीं है जहाँ, जिस दीवार के पास मैंने इसको खड़ा किया था। तो क्या किया, इसकी स्थिति को बदल दिया, पहले आपने कहीं और खड़ी की, अब कहीं और है। या फिर जैसे ऐसे लगा लो, आपसे कोई पूछता है कि आपका घर कहाँ है, तो आप बोलते हो कि मेरा घर जो है मोबाइल की गली नंबर 1 में, मोबाइल के शॉप के सामने है, कि मोबाइल की एक दुकान है, उसके बिल्कुल जो सामने वाला ही मेरा घर है और लाल रंग का उसका गेट है। आप किसी को ऐसे बताते हो, तो वो जिसको भी आपने बताया, तो वो आप गली नंबर 1 में जाएगा, आपने गली नंबर 1 बताई, फिर आपने बताया मोबाइल की दुकान, उसके सामने लाल रंग का गेट, तो वो इस तरह से क्या करेगा, आपके घर को ढूंढेगा। तो आपने क्या किया, उसको एक संकेत दे दिया ना कि आपका घर यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, एक सांकेतिक बिंदु हो गया। ऐसा तो नहीं है कि अब वो गया, आपने तो आज गली नंबर 1 में बताया, कल आपका घर जो है बदल गया, गली नंबर 2 में चला गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अगर घर ऐसे बदलने लग गए रोज की, पहले 1 में गया, फिर 2 में गया, फिर 3 में चला गया, तो इसका तो मतलब क्या हो गया कि वो क्या कर रहा है, अपने स्थिति को बदल रहा है। लेकिन नहीं, घर तो हम जहाँ पे छोड़ कर आए हमें वहीं पे मिलता है, तो इसका मतलब घर किस में, विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था का मतलब होगा कि हम किसी एक बिंदु को नोट कर लेंगे, अगर वो मोबाइल की शॉप के सामने हमारा घर है, तो हमें कहाँ मिलेगा, मोबाइल की शॉप के सामने ही मिलेगा, तो एक इसमें है, विराम अवस्था में है। लेकिन अगर आप, एक कार खड़ी है मोबाइल की शॉप के सामने, आप बोल रहे थे कि मेरे घर के सामने एक लाल रंग की कार है, वहाँ पर एक मेरा घर है, तो ऐसे तो गया कोई कि कार तो वहाँ से चली गई, कार ने तो क्या कर ली, गति कर ली, अपनी इस जगह को छोड़ दिया। अब कोई क्या ढूंढेगा कि लाल रंग की कार कहाँ खड़ी है, कहाँ खड़ी है, वो खड़ी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस कार ने क्या की, गति कर ली। जैसे आप साइकिल है, आप साइकिल से आते हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको बल लगा कर उसको चला कर लाते हो, पैडल लगाते हो, तो क्या कर रहे हो, आप गति कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि जब घर में साइकिल खड़ी थी तो घर में ही खड़ी हुई है, नहीं, आप तो उसको चला रहे हो, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप उसको गति कर रहे हो। अगर कोई भी वस्तु अपनी जगह को नहीं बदलती, अपनी स्थिति को नहीं बदलती है, तो वो किस में कहलाएगी, वो विराम अवस्था में कहलाएगी। लेकिन जैसे ही वस्तु क्या करने लग गई, गति करने लग गई, उसने अपनी स्थिति को क्या कर दिया, बदल दिया, तो वो किस में कहलाएगी, गति में कहलाएगी। और हम जब भी इनको डिफाइन करेंगे तो हम किससे करेंगे, एक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, ठीक है, जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम सांकेतिक बिंदु बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोबाइल की शॉप है, उसके सामने लाल रंग का गेट है, तो आपने मोबाइल की शॉप को क्या लगा लिया, एक बिंदु बना लिया, संकेत कर दिया, एक इशारा कर दिया कि हाँ, उसके सामने होगा, ठीक है। तो ये किसका था, गति का उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे गति के प्रकार।
गति के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। हम दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, समान गति और असमान गति। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय में तय करती है तो समान गति कहा जाएगा। जैसे हम 5 किलोमीटर अपने घर से स्कूल पर स्कूल गए जिसमें हमें 10 मिनट का समय लगा, स्कूल में वापस लौटते समय भी हमने 5 किलोमीटर 10 मिनट में ही तय किया। आने और जाने दोनों में समय क्या था और दूरी क्या थी? बराबर। तो एक इसका उदाहरण हो गया समान गति का। जैसे आप घर से स्कूल आए, आपका 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपका स्कूल है, तो आपने कितने 10 मिनट लगाए। लेकिन आप जब वापसी में जाते हो तो अब भी क्या करते हो, आप 5 किलोमीटर ही जाना है आपको, आप तब भी कितना समय लगा रहे हो? 10 मिनट। तो आपने क्या की, समान दूरी और समान गति की, समान दूरी समान समय में तय की, तो आपने क्या की, समान गति की। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आप सुबह तो 5 किलोमीटर चल के आप 10 मिनट में आए, लेकिन शाम को क्या किया, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमते घूमते किसी और रास्ते से चले गए, तो सुबह क्या किया था, आपने 5 किलोमीटर आए थे, लेकिन शाम में आप क्या कर रहे हो, 7 किलोमीटर जा रहे हो। तो दोनों की दूरी क्या हो गई, अलग हो गई। और सुबह आपने 10 मिनट में किया, शाम को आपने उसको 15 मिनट में किया, तो आपका समय भी क्या हो गया अलग हो गया। तो ये किसका उदाहरण हो गया, असमान गति का। ये किसका हो जाएगा, असमान गति का उदाहरण। या फिर ऐसे लगा लो कि हमें 20 किलोमीटर का कोई रास्ता तय करना है, हम पहले 5 किलोमीटर चलते हैं 10 मिनट में रुक चलते हैं, 5 किलोमीटर 10 मिनट में हम कवर कर लेते हैं, हम रुक जाते हैं, फिर हम दोबारा 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर हम उसमें 10 मिनट लगाते हैं, फिर 5 चलते हैं, फिर हम 10 मिनट लगाते हैं, फिर 5 चलते हैं हम, फिर 10 मिनट लगाते हैं। तो हमने 5 5 5 करके 4 टुकड़ों में किया वो 20 किलोमीटर का रास्ता, और समय भी कितना लगाया, बराबर। पहले बार में भी 10 मिनट में किया, दूसरा भी 10 मिनट में, तीसरा भी 10 में, और चौथा भी 10 में। लेकिन अगर हम इसी 20 किलोमीटर को, हम पहले चलते हैं 7 किलोमीटर, हम लगाते हैं 10 मिनट, फिर हम रुक जाते हैं, फिर हम चलते हैं 3 किलोमीटर, फिर हम लगाते हैं 15 मिनट, हम धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं फिर 5 किलोमीटर, फिर हम लगाते हैं 10 मिनट, फिर दोबारा हम 5 चलते हैं, हम लगाते हैं 7 मिनट। तो देखो, हमारी ना तो दूरी सारी बराबर हो रही, ना ही सारा हमारा समय बराबर हो गया। ये किसका उदाहरण है, असमान गति का। तो ये थे हमारे दो प्रकार की गति, समान गति और असमान गति, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, विरामावस्था पढ़ा है, सांकेतिक बिंदु पढ़ा है, गति पढ़ा है, गति के दो प्रकार पढ़े हैं। अब आप सब इसको रिवाइज करना, फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे।